हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को पहचानना, वो भी हिंदी में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस को इंग्लिश में पहचानना, अगर हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ लेते हैं तो आसान रहता है, हम लोग पहचान लेते हैं जनरली। लेकिन हिंदी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंस को पहचानना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं हिंदी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं उसकी सेंटेंसेस को। तो देखिए, हिंदी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जो हम लोग करते हैं, टेंस एक्टिव वॉइस में करते हैं और पैसिव वॉइस में करते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट दिया रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा है राम पत्र लिखता है, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, यानी करता करता है, लिखता है तो ये हमारा कर्म हो गया, यानी कि वर्ब हो गया, और ये क्या है, सॉरी, ये क्रिया हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, जो ये हमारा राम है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे राम और मैं बाज़ार जाता हूँ, तो इन दोनों में ही हमारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन आपको पत्र लिखा जाता है, भोजन लगा दिया गया, ये दो सेंटेंस जो है इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि पत्र कौन लिखा है, भोजन कौन लगाया है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा, जो नीचे वाला है सेंटेंस, आपको पत्र लिखा जाता है, भोजन लगा दिया गया है। तो इसमें एक डिफरेंसेस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में और पैसिव वॉइस सेंटेंस में हिंदी में क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट दिया रहता है, जो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट होता है, सॉरी सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो यही बेसिकली हमारा पहचानने का फॉर्मूला होता है कि जो हमारी हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। दूसरा, अगर पैसिव वॉइस टेंस में ही अगर सब्जेक्ट दिया भी गया होगा तो वो द्वारा के द्वारा करके दिया होगा, दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, ये दूसरा टाइप है पैसिव वॉइस का। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि मेरे द्वारा, लेकिन जो भी हमारा एक्टिव वॉइस में अगर होगा तो वो पहले ही आपको बता देगा, जैसे कि राम पत्र लिखता है, वैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, तो पहले सब्जेक्ट वहाँ पर रहेगा, लेकिन अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो, जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो बेसिकली अपना फोर्स पूरा करता है सब्जेक्ट पर, और जो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता है, वो मेन काम पर फोकस करता है कि आपको पत्र लिखा जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, या फिर पैसिव वॉइस में कौन कौन से रूल्स लगते हैं, उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कौन से मेन वर्ब लगते हैं। अब देखिए, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में तो आपको पता है कि जो हमने टेंस पढ़ा है उससे आप लोग पढ़ लेंगे कि उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कौन सा वर्ब लगता है, मेन वर्ब। लेकिन जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो उसमें क्या लगेगा, आइए देखते हैं। जैसे दिया गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें हम देखेंगे तीनों का, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। तो देखिए, दिया गया है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस, यानी कि किसमें आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला ये पार्ट हमारा है। तो हम लोग को तो पता है कि एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईएस लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट अगर इंडिफिनिट ही होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और पैसिव वॉइस बनाना होगा तो उसमें इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक बात और ध्यान देख लीजिए, जब भी हम लोग पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस का करें, चाहे वैसे भी हम लोग करेंगे तो हिंदी से इंग्लिश का ही करेंगे, या फिर इंग्लिश का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा उसे ही पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो भी हमारा सेंटेंस होगा अगर उसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होगा, ये हर जगह कॉमन रहेगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बेसिकली हमारा कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब देखिए प्रेजेंट का हो गया, अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो वर्ब का वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है एक्टिव वॉइस में, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगेगा, इसमें डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, तो यहाँ पे वाज और वर लगेगा पैसिव वॉइस में। इसी तरह पूरा देख लीजिए, फ्यूचर में विल सेल होता है, तो अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी, यानी कि जो भी हम लोग लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, अगर पास्ट अगर फ्यूचर है, फ्यूचर इंडिफिनिट है तो विल सेल लगता है, और उसी का पैसिव वॉइस करेंगे तो विल बी सेल भी हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इतने से ही हम लोग पढ़ते जाते हैं, तो एक बार फटाफट देख लीजिए इसे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज एम आर एक्टिव वॉइस में लगेगा, इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा, कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा कहीं भी हो, और पास्ट में देखिए यहाँ पे वाज वर है तो यहाँ पे वाज वर बीइंग जुड़ जाएगा, और यहाँ पे फ्यूचर का तो बनता ही नहीं है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हैज़ हैव है तो यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन हो जाएगा, यहाँ पर हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, यहाँ पे विल हैव है सेल हैव तो विल हैव सेल हैव बीन हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा चार्ट ये है, आप लोग देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।